तो हरियाणा में कांग्रेस चलाएगी प्रतिभा परिवर्तन कार्यक्रम। जी हां, पूरी खबर क्या है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो मध्य प्रदेश के बाद अब कांग्रेस हरियाणा में भी प्रतिभा परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत करते हुए ऑनलाइन वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, उन्होंने बताया कि हम प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी चाहती है कि जो लोग कांग्रेस की विचार से प्रभावित है उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। इसके साथ ही इसके लिए लोग ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं। युवा जिस भी तरीके से पार्टी की सेवा करना चाहता है उस रोल में पार्टी से वो जुड़ सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, आवेदन करने के बाद उनका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होने के बाद उन्हें अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस प्रतिभा परिवर्तन कार्यक्रम के जरिए प्रवक्ता, वक्ता, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कंटेंट राइटर आदि तमाम पदों को भरा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बताया है कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं लेकिन वो राजनीति से जुड़ नहीं पाते हैं, वो राजनीति में आकर अलग अलग गतिविधियों में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। तो हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर कहा कि अगले एक महीने में जिला स्तर पर संगठन तैयार हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री मंत्री नहीं बनते, तो वहीं बात कांग्रेस की गुटबाजी की भी होती है। तो विधान सभा सत्र को लेकर कहा कि सत्र में प्रदेश से जुड़े कई मुद्दे रखे जाएंगे और सत्रों को लेकर उन्होंने कहा कि जहरीली शराब, कृषि मंत्री का शर्मनाक बयान, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये बात भी उन्होंने आगे कही। कृषि मंत्री को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये भी वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने भाजपा की संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि किस बात को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने प्रदेश को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में धकेल दिया है, शिक्षा को खत्म कर दिया है, स्कूलों में न पीने का पानी है, न बिजली और ना ही शौचालय, तो भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियाँ बेची जा रही हैं, खाली पद पड़े हुए हैं और कांग्रेस राज में कोई पद खाली नहीं था, ये बात भी उदय भान की तरफ से कही गई। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।